गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि मोबाइल पे को लॉगिन करने के बाद इस तरीके से ओपन होता है। वेबसाइट पे mobilepay.co.in को क्लिक कर लेना है। हम लोग मोबाइल पे वैलेट में जाते हैं। जब वैलेट को हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये पिन को क्लिक कर सेट पिन को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अपने अनुसार आप पिन बना सकते हैं। ये पिन आपको 6 डिजिट का बनाना होता है। जब बना लेंगे और बनाने के बाद आप जब सबमिट करेंगे और प्रोसीड जैसे ही करते हैं, तो ये पिन आपका OTP के माध्यम से कंफर्म होगा। OTP अभी आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे OTP डाल करके सबमिट करेंगे। देख कर रहे हैं, लगता है OTP आ गया है दोस्तों। हम लोग इस OTP को यहाँ पे सबमिट करेंगे। 060060549। जब इसको हम लोग सबमिट करेंगे तो ये हमारा पिन बन जाएगा। पिन सेट करने के बाद हम लोग ऐड मनी के ऑप्शन पे जाते हैं। अभी हम लोग कोई भी अमाउंट यहाँ पर डाल रहे हैं, जैसे अभी हम 179 यहाँ पर डाल करके एक ऐड करते हैं, क्योंकि मैं रिचार्ज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग UPI का ऑप्शन ले रहे हैं। UPI जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे UPI का डिमांड कर रहा है। हम यहाँ पे एक UPI डालते हैं। जब UPI हम लोग डालेंगे, जैसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो ये उस UPI पे चला जाएगा पेमेंट के लिए। जैसे ही हम लोग वहाँ से कंफर्म करेंगे, ये पैसे हमारे वैलेट में ऐड हो जाएंगे। ठीक, मैं आ गया हूँ यहाँ पे और देखता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से ये डिमांड कर रहा है। जैसे ही हम लोग पे बटन पे जाएंगे, किस बैंक अकाउंट से कटेगा ये भी हमें शो हो गया। और यहाँ पे पिन डालना है दोस्तों। पिन डाल करके हम लोग जैसे ही कंफर्म करते हैं, हमारा यहाँ से पेमेंट डिडक्ट होता है मेरे बैंक अकाउंट से, और ये यहाँ पे जा करके कंफर्म हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। और जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम लोग थोड़ी देर में देख सकते हैं बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो गया। बैलेंस अपडेट होने के बाद हम लोग एक बार फिर से होम बटन पे जाते हैं, बैक करते हैं इसे। बैक करने के बाद हम लोग एक बार देखते हैं, एक बार व्यू स्टेटमेंट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। खैर, अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, थोड़ी देर में हमारा स्टेटमेंट भी यहाँ पे शो करने लगेगा। खैर, हम लोग दोबारा से डैशबोर्ड पे चले आए। यहाँ आने के बाद हम लोग मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पे चले जाते हैं। मोबाइल रिचार्ज में हम लोग एक नंबर डालते हैं। जैसे ही हम लोग नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा कि किस कंपनी का रिचार्ज है। यहाँ पे वोडा आइडिया लिखा, लेकिन ये एक्चुअल में एयरटेल का रिचार्ज है। एयरटेल का 179 का रिचार्ज यहाँ से हम लोग पे करते हैं। जब पे करेंगे तब हमें यहाँ से मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन पिन पूछता है और नहीं तो OTP, लेकिन OTP की जगह पे हम लोग ट्रांजैक्शन पिन, चूँकि अभी हमने जो पिन बनाया है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। आप गौर करेंगे, यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर आपका खुद का आएगा। इसका मतलब ये नहीं कभी समझना है कि आपके नंबर पर रिचार्ज हो रहा है, आपने जो वहाँ पर नंबर डाला उसी नंबर पर रिचार्ज हो रहा है। यहाँ पर आप पिन डालेंगे, जैसे ही पिन डालते हैं यहाँ से सबमिट करेंगे और यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है और ये हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया। जब ओके करेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद जिस नंबर को मैंने रिचार्ज किया उस नंबर पर वो मैसेज चला जाएगा रिचार्ज का। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने वैलेट को एक्टिवेट करें, अपना पिन बनाएं, अपने वैलेट में कुछ पैसे ऐड करें और उससे एक रिचार्ज करके अपने लिए ये समझने की कोशिश करना है कि हम लोग वैलेट का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। अपने जानने पहचानने वाले कई लोगों को हम लोग बिना कार्ड दिलाए उनको रेफ़र करते हुए उनके वैलेट को एक्टिवेट करा के कम से कम रिचार्ज के ऑप्शन को तो हम लोग चालू कर सकते हैं। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कमीशन बड़ा होता चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।